आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत फिर करवट ले सकती है। राज्य से जुड़े मसलों पर अंदर खाने हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। इसके लिए सभी दलों को सूचना भेज दी गई है। फिलहाल औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी शेयर नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। राज्य में चुनाव 2018 से लंबित हैं, तब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और भाजपा का गठबंधन टूट गया था। इस बीच गुपकार समूह ने भी केंद्र सरकार से बातचीत को लेकर नरम रुख के संकेत दिए थे। इससे पहले अमित शाह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रो के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए। इस मीटिंग से पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। दोनों बैठकों को जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thefirstnews.in।